सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, कल गेम में एक बंदा मेरे से बोल रहा था कि भाई, जब मैं अपनी जॉयस्टिक को मूवमेंट करने के लिए मूव करता हूं तो ये बार बार जो स्प्रिंट का बटन होता है वो बार बार अपने आप ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता है और ये मेरी मूवमेंट को बहुत ही स्लो कर देता है। तो इसका कोई सॉल्यूशन लेके आ, इस तरीके से वो मेरे से बोल रहा था। जैसे ही वो अपनी जॉयस्टिक को मूवमेंट करने के लिए क्लिक करता है, उसका जो स्प्रिंट का बटन होता है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो उससे मैंने कल सॉल्यूशन दे दिया था, तो आपके साथ ऐसा ना हो तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। तो उसके बाद मैंने उसको ये सॉल्यूशन दिया था कि भाई, ये देख, अब तेरा स्प्रिंट का बटन बीच में आएगा ही नहीं भाई, मतलब पूरा सामने से हटाई दिया स्प्रिंट का बटन। और ये देखने के बाद वो मुझसे बोला कि अब बता। तो भाई, ये कोई हैक वैक नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक है जो आज की इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपनी गेम की सेटिंग्स में। मैं यहाँ से गेम से जा रहा हूँ डायरेक्ट, आप चाहो तो लॉबी से भी जा सकते हो। सेटिंग्स पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है थर्ड नंबर पर कस्टमाइज बटन पर, वहाँ से आपको कस्टमाइज पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरे कंट्रोल्स का लेआउट आ जाएगा और आप यहाँ भी देख सकते हो मेरी जॉयस्टिक को किस तरीके से यहाँ पर मैंने सेट की है। यहाँ से मैंने इसको रीसेट कर दिया ताकि आपको शुरू से एकदम समझा सकूँ। इसके लिए सिर्फ तीन इजी स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर वन क्या है, स्टेप नंबर वन है, सबसे पहले आपको एक हेल्प के लिए एक बटन लेना है। मैं यहाँ पर इस फायर बटन को अपने हेल्प के लिए ले लूँगा। सबसे पहले आपको इस फायर बटन को ले लेना है। आप फायर बटन चाहो या फिर आप कोई भी बटन ले सकते हो, मैंने यहाँ पर फायर बटन लिया। उसके बाद दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक है आपको इस जॉयस्टिक का साइज एकदम छोटा कर देना है। उसके बाद इसे ले जाना है एकदम ऊपर की साइड। ऊपर की साइड ले जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको फायर बटन पर क्लिक करना है। फायर बटन पर क्लिक करने के बाद जहाँ से ये बटन साइज होता है ना, जहाँ से आप किसी भी बटन का साइज कम ज़्यादा करते हो, बटन साइज पर आपको तब तक थंब अपना रखे रहना है जब तक ये ट्रिक कंप्लीट नहीं हो जाती। और उससे पहले आपने अपना थंब हटा लिया तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, मैंने क्या बोला, ये बटन साइज जहाँ से आप कम ज़्यादा करते हो ना, वो जो पॉइंट होता है जिसको आप इधर उधर खिसका के कम ज़्यादा करते हो, वहाँ पर आपको हाथ रखे रहना है। और वहाँ से आपने हाथ हटा लिया तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। तो चलिए अब चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। अब जैसा कि मैं वीडियो में कर रहा हूँ, आपको जैसा ही दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए सिर्फ इजी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, ये जॉयस्टिक को जैसे ही आप ऊपर लेगा, इसके बाद आपको जिस बटन को हेल्प के लिए लिया है, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर फायर बटन को हेल्प के लिए लिया है, जैसे ही आपको फायर बटन का साइज बड़ा करना है और डायरेक्ट आपको जंप हो जाना है आपके स्प्रिंट बटन पर। जैसे ही आपका स्प्रिंट बटन का साइज जैसे ही बड़ा होगा ना, तो वो आपके जॉयस्टिक के पीछे चलाता चला जाएगा। और जैसे ही वहाँ पर ऊपर जगह खाली बचती है, आपको अपनी जॉयस्टिक को ऊपर की साइड मूव कर देना है। जॉयस्टिक को ऊपर की साइड मूव करने के बाद आपको वही सेम प्रोसेस दोबारा से करनी है। आपको अपना फायर बटन का साइज बड़ा करना है, वो डायरेक्ट फिर आपको अपने स्प्रिंट के बटन पर जंप हो जाना है। सिर्फ यही एक स्टेप लगा के ये पूरी ट्रिक वर्क करती है और इजी तरीके से आपका ये जो स्प्रिंट का बटन होता है वो आपकी जॉयस्टिक के एकदम पीछे चला जाएगा। और इससे विश्वास मानो, आपकी मतलब जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी हद तक फास्ट हो जाती है। आप जब अपने गेम के अंदर मूवमेंट करते हो ना, तो वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। अब जैसे ही बस मेरी यहाँ पर ये ट्रिक कम्प्लीट होने वाली है, मैं एक बार और ये ट्रिक करूँगा, अपने फायर बटन के साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा, उसके बाद अपनी जॉयस्टिक पर जंप हो जाऊँगा। बस एक स्टेप मेरे को और करना है यहाँ पर, फिर मेरी ये ट्रिक यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं अपने फायर बटन पर टैप करूँगा, फायर बटन का साइज बड़ा करने के बाद डायरेक्ट अपने स्प्रिंट पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर मेरी ये ट्रिक कंप्लीट हो गई। अब जैसे यहाँ पर अब ये हमारी ट्रिक कंप्लीट होती है, उसके बाद आपको अपनी जॉयस्टिक को जहाँ पर आप सेट रखते हो वहीं पर आपको सेट कर लेना है। लेकिन अभी आपको यहाँ से बटन साइज से हाथ नहीं हटाना है, और आपने बटन साइज से हाथ हटा लिया तो आपकी ये पुरानी वाले कंट्रोल्स रीसेट हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जहाँ पर जॉयस्टिक पहले थी वहीं पर आपको सेट कर लेना है इस जॉयस्टिक को। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी जॉयस्टिक को हमेशा रखता हूँ, तो यहीं पर मैंने सेट कर ली। और इस फायर बटन को मैं ऊपर की साइड सेट कर लूँगा अभी यहाँ से। और यहाँ से ये मैंने फायर बटन को यहाँ पर साइज इंक्रीज करके ऊपर सेट कर लिया, यहाँ से फिर मैंने ये सेव कर दिया। और सेव जैसे ही आप यहाँ से कर दोगे, फिर आप इजी तरीके से अपने बटन साइज से हाथ हटा सकते हो। उसके बाद आपको वापस आ जाना है अपने गेम के अंदर और आप देखोगे कि आपकी ट्रिक ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो चलिए चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।